नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका माथुर। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज है पांचवा दिन। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि स्कंद माता भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की आराधना करना लाभकारी माना गया है। स्कंद माता की पूजा से भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी पूजा से भक्त अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाते हैं। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। इनकी चार भुजाएं हैं, दो हाथों में इन्होंने कमल लिए हैं। माँ स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने पांचवें स्वरूप यानी स्कंद माता के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करते हेतु स्कंद माता का रूप लिया था। उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था। मान्यता है कि माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंद माता की उपासना से महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है और जीवन खुशहाली से परिपूर्ण हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांस्कारिक जीवों में नव चेतना का बीज बोने वाली देवी कहलाती है स्कंद माता। देवी स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य का तेज दिखाई देता है। इन्हें पद्मसना देवी भी कहते हैं। माँ स्कंद माता को भोग अति प्रिय है। मान्यता है कि देवी को पूजा में केले का नवेद्य लगाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है और संतान प्राप्ति होती है। ओम स्कंद मातेय नमः मंत्र बोलते हुए माँ को भोग लगाकर उनसे प्रार्थना करें। हेम क्लीम सामिन्य नमः मंत्र जाप करते हुए माता की आराधना करनी चाहिए। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।